दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर कर रखा हुआ है। कहें कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है, उसको दे दो। कि किसान जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि मेरे गेहूं का भाव, मेरी फसलों का भाव 18,000 रुपए क्विंटल हो। ये तो पूरे देश को बर्बाद करेंगे। ये चला उसने खबर। किसान आंदोलन पर हुई, किसानी पे हुई, और उड़ीसा में यहाँ पे आने का एक मौका मिला। बहुत क्रांतिकारी लोग उड़ीसा के अच्छे भाई, और इनके साथ में बहुत साथी ये फोन करते रहे कि यहाँ पाए कई राज्य को होते हुए बहुत बाधाएं, जगह जगह रुकते हुए पुलिस प्रशासन इनको रोकते थे, बैठे रहे वहां पे और फिर आगे चलते रहे। तो ये सारे क्रांतिकारी जो किसान हैं यहाँ पे, वे सब लोग का धन्यवाद है कि आपने दिल्ली के आंदोलन में आप हिस्सा बने। आप यहाँ पे भी बहुत लड़ाई लड़ते हो, पूरे देश में लड़ाई चली हुई है। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर कर रखा हुआ है। मुद्दा भी पहला इशू अभी शुरू हुआ वो है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है, उसको दे दो। अभी हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की नहीं बात करी, अभी तो पहली सिटी है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्या आएगी, उसके बाद में मार्केट भाव आएगा, उसके बाद में आएगा कि जो हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। 1967 जब ये MSP लागू हुई, उस टाइम का हमको भाव चाहिए। उस टाइम का भाव क्या था, अगर हम गेहूं की बात करें, कणक की बात करें, 76 रुपये पर क्विंटल भारत सरकार ने रेट रखा। वो जो कर्मचारी था उसकी सैलरी 70 रुपया थी, तो एक महीने की तनख्वाह में 1 क्विंटल अनाज नहीं ले सकता था। जो सोने का भाव था वो 200 रुपये का एक तोला था, तो 3 क्विंटल गेहूं बेच के, अपनी फसल बेच के हम 1 तोला सोना ले सकते थे। हमने एक प्रेस को कह दिया यही बात, तो उस प्रेस ने चलाया बड़े मोटे एडिंग में कि किसान जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि मेरे गेहूं का भाव, मेरी फसलों का भाव 18,000 रुपए क्विंटल हो। ये तो पूरे देश को बर्बाद करेंगे। ये चला उसने खबर। हमने कहा कि हमने हिसाब मांगा है, हिसाब दिया है अपना, अभी तो हम उसी चीज पे लटक रहे कि जो उन्हें भाव तय करा, जो आज से 51-52 साल पहले भाव तय करे, हमको वही दे दो भाव। उस पर भी साफ मना कर दिया कि भाव नहीं मिलेगा आपको, ये किसान क्या करेगा, किसान तो बर्बाद होगा बिल्कुल। जो गांव के लोग हैं अपनी जमीन छोड़ के जा रहे हैं, और कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, वे यही चाहते हैं कि ये किसान अपनी जमीन छोड़ के यहां से जाए, वो मजदूर बने, वो शहरों में झोगियों बस्ती में रहे, हमारी फैक्ट्री में काम करें, हमारे घरों के वहां चौकीदारी करें, वो यही तो चाहते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब संयुक्त मोर्चा आ गया है, इन्हें पूरे विभाग बेचे। जब किसानी का नंबर आया
तो देश का किसान इकट्ठा होकर अब सामना आ गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, जो दिल्ली कभी चारों तरफ से घिरी नहीं, बहुत मोर्चे उसके खाली रहते थे, अब की बात है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। कई लाख आदमी आज भी दिल्ली के चारों तरफ है, पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, अपने परिवार को वहां ले आए। जब एक महीना 15 दिन हुए तो ये लगता था कि चले जाएंगे, लेकिन जब 4 महीने हो गए तो ये लगा कि ये तो हमारा जन्म स्थल है, दिल्ली हमारा कर्म स्थल है, वो हमारी कर्म स्थली है, उसी से ही देश के किसानों को आजादी मिलेगी। जो दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर है, वे बॉर्डर मजबूत होंगे तो पूरे देश के किसान के भाग्य का फैसला उन किसानों के बॉर्डरों से होगा। घबराने की बात नहीं, अब आप दिल्ली तक अपनी फसल को लेकर नहीं जा सकते, आपको अपने आंदोलन अपने जिलों में शुरू करने पड़ेंगे, अपने कलेक्ट्रेट में शुरू करने पड़ेंगे, अपने डीएम ऑफिस में शुरू करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको धरने शुरू करने पड़ेंगे, अपने जो धरना स्थल है वे बढ़ाने पड़ेंगे। एक मैसेज जाए पूरे देश भर में, हजारों जगह आज भी धरने चले हुए हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।